अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पर काम करेंगे और साथ ही में मैं कमेंट बना के चलता हूँ। ये है रजिस्टर के लिए और इसका मेथड है पोस्ट। तो इस तरीके से मैं बना के चलता हूँ ताकि हमको बाद में आइडिया रहे। इसी तरीके से अब जो है हम लॉगिन के लिए कर लेंगे, इसका भी मेथड रहेगा पोस्ट। और यहाँ पे आप न्यू राउट क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमारा एंड पॉइंट रहेगा स्लैश लॉगिन और उसके बाद में लॉगिन कंट्रोलर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट बना लेंगे लॉगिन कॉल बैक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू नॉर्मल एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं इस फाइल को। और इसको हम क्या करेंगे, ऑथ राउट के अंदर इम्पोर्ट कर देंगे। सो इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन के अंदर लॉगिन राउट के बाद में लॉगिन कंट्रोलर, इतना लिख के आप इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, देख सकते हैं आप लॉगिन कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो चुका है। अब इस लॉगिन कंट्रोलर पे हम काम करेंगे। अब लॉगिन के टाइम पे हमको क्या करना है, हमारे लॉगिन को सिक्योर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है जेसन वेब टोकन क्या है, तो सिंपली आप जो है इसका पैकेज सर्च कर सकते हैं। एनपीएम जेस पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जेसन वेब टोकन, इतना लिख के आप सर्च करिए, एग्जैक्ट मैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करिए, इसका होम पेज भी आपको मिल जाएगा, क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। हमारे एप्लीकेशन में सिक्योरिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि इजीली डिक्रिप्ट नहीं होता है। सीक्रेट टोकन हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम सीक्रेट पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उससे ही हमारा जो टोकन है वो डिक्रिप्ट होता है। तो यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले इसको कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। सो न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसको npm i json web token, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज आपके नोड सर्वर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, देख सकते हैं आप, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और यहाँ पर ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पैकेज जेसन की फाइल में जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जेसन वेब टोकन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से टोकन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे इसके लिए कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे JWT शॉर्टकट में जेसन वेब टोकन के लिए, और इसको रिक्वायर कर देंगे रिक्वायर फ्रॉम जेसन वेब टोकन। और साथ ही में एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल बना देंगे इसके लिए। तो आपको जाना है .env की फाइल में, और इस डेटाबेस के बाद में मैं यहाँ पर टोकन का सीक्रेट की बना देता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ JWT_secret। और यहाँ पर उसके बाद में आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं तो फिलहाल रेंडम ही करूंगा। जैसे कि मैं रख देता हूँ tekinfo yt123, जितना ये स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा आपका जो है टोकन सिक्योर रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। .env की फाइल में अगर आप चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रिस्टार्ट करिए, वरना ये इफेक्ट नहीं करता है। चलते हैं वापस हमारे लॉगिन कॉल बैक के अंदर। इस फंक्शन को हम सबसे पहले एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का इसमें भी यूज करेंगे। तो आपको लिखना है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक भी ऐड कर देंगे। सो आपको लिखना है ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर हमारे पास है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देता हूँ रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, तो आपको लिखना है सक्सेस फॉल्स। उसके बाद में आप यहाँ पर मैसेज ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन लॉगिन API, और उसके बाद में जो भी एरर है उस ऑब्जेक्ट को मैं एज इट इज यहाँ पर पास करा देता हूँ। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को चेक कर लेंगे, यानी कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक वेरिएबल बना देंगे उसके लिए कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू अवेट, फिर यूजर मॉडल का हमको यूज करना है यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, और हम क्या करेंगे यहाँ पर ईमेल की मदद से फाइंड कर लेंगे ईमेल। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और यहाँ पर रिया हो गए, और ये है रिक्वेस्ट, सो REQ body डॉट ईमेल। और फिर कंडीशनली चेक कर देंगे इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 दैट मीन्स नॉट फाउंड, और फिर सेंड का रिस्पॉन्स हम भेज देंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सक्सेस को जो है फॉल्स कर देना है। तो आप लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं मैसेज ऐड कर देता हूँ यूजर नॉट फाउंड, या फिर आप इनवैलिड भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से रखता हूँ। तो हमने यहाँ पर यूजर की कंडीशन भी चेक कर ली। उसके बाद में हमको अगर यूजर मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयर पासवर्ड, और सेम नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ कंपेयर
पासवर्ड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे बीक्रिप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर अवेट करना है, फिर हम क्या करेंगे बीक्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, आपको लिखना है बीक्रिप्ट डॉट, फिर कंपेयर का फंक्शन कॉल करना है, और इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले यूजर ने जो पासवर्ड हमको दिया है उसको ऐड कर लेंगे, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, यूजर से जो पासवर्ड हमको मिल रहा है वो हम गेट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसका पासवर्ड गेट कर लेंगे, सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एग्जिस्टिंग यूजर कॉपी, और इसके अंदर हमारे पास है पासवर्ड, तो उसको हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, और आप चाहें तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल यूजर भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल कर देता हूँ उसको यूजर, ताकि आपको अच्छे से पता चले, और फिर ये रहेगा नॉट यूजर, इसी तरीके से हम क्या करेंगे यूजर डॉट पासवर्ड इसको कर देंगे। कंपेयर फंक्शन भी हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको भी चेक कर लेंगे एक बार, इफ नॉट कंपेयर यानी कंपेयर नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे अगेन रिटर्न हो जाएंगे यहीं से, रिटर्न फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सेंड के अंदर मैं करता हूँ सक्सेस को फॉल्स, तो आपको लिखना है सक्सेस फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और इसमें कोई भी एक मैसेज आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ ताकि हमारा ईमेल भी प्रोटेक्टेड रहे, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको, और उसके बाद में हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स रहेगा, यानी सब कुछ अगर सही हो जाता है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर टोकन क्रिएट करेंगे, तो टोकन आप कैसे क्रिएट करेंगे सिंपल एक वेरिएबल बना देते हैं हम, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, और उसके बाद में हम क्या करेंगे JWT का यूज करेंगे, JWT डॉट साइन फंक्शन इसके अंदर हमको मिलता है जिसकी मदद से हम टोकन को क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हमको सबसे पहले बताना पड़ता है किसके बेसिस पे आप क्रिएट करेंगे, सो यूजर आईडी के बेस पे, यानी एक मैं यहाँ पर की बना रहा हूँ और इसके अंदर जो वैल्यू रहेंगी वो कहाँ से आएंगी यूजर जो हम गेट कर रहे हैं उसकी अंडरस्कोर आईडी वाली फील्ड के बेस पे हम क्या करेंगे टोकन को इनक्रिप्ट करेंगे, तो इस यूजर आईडी के अंदर हमारे पास है यूजर की डिटेल्स, तो इनकेस अगर हमको टोकन एक्सट्रैक्ट करना रहा और उसकी मदद से यूजर की डिटेल्स को गेट करना रहा तो सिंपली हम यूजर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में हमको यहाँ पर सीक्रेट की को ऐड करना पड़ता है जो कि हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है, तो उसको हम गेट कर लेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी, फिर हमने लिखा था JWT अंडर स्कोर सीक्रेट, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कितने टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक्सपायर्स इन, ये एक फंक्शन है बाई डिफॉल्ट आता है, इसके अंदर आप डेज में वीक्स में बता सकते हैं या फिर आवर्स में भी बता सकते हैं, इसको हम कर देंगे 1 डे, 1 दिन के लिए हम इस टोकन को वैलिड रखेंगे, जैसे टोकन एक्सपायर हो जाएगा यूजर को मस्ट है वो फिर से लॉग इन करें, उसके बाद में मैं यहाँ से रिटर्न हो जाता हूँ, रिटर्न फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ रेस डॉट स्टेटस, क्योंकि अब सक्सेस रिस्पॉन्स है इसीलिए 200 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया मैंने 200, फिर सेंड कर देंगे, सेंड के अंदर हमको क्या करना है सबसे पहले सक्सेस को कर देना है ट्रू, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज लॉग इन सक्सेसफुली, और उसके बाद में टोकन भी यहाँ पर पास कर देता हूँ, टोकन जो भी टोकन है उसको एज अ रिस्पॉन्स हम सेंड करा देंगे, आप चाहें तो यूजर को भी यहाँ पर पेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैं टोकन के बाद में यूजर भी पास करा देता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, और इस एपीआई को भी हम टेस्ट कर लेंगे, तो चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे, इसका टाइप रहेगा पोस्ट, यूआरएल में इसी में से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी आखिरी का एंड पॉइंट मैं चेंज कर दूंगा पेस्ट, रजिस्टर के बदले रहेगा लॉग इन, बॉडी बॉडी के अंदर हमारे पास रॉ डेटा, और फिर आपको जेसन यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे ईमेल और पासवर्ड की मदद से इसको गेट करेंगे, सो रजिस्टर के अंदर जो ईमेल आईडी थे ना उसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, कॉपी इसमें पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद में हमारे पास है पासवर्ड, तो आप लिखेंगे पासवर्ड, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे वरना ये सही से काम नहीं करता है, पासवर्ड लिखा मैंने, और मैं पहले जो है ना एरर केस चेक कर लेता हूँ, अगर मैं एम्प्टी पासवर्ड रखूंगा तो हमको क्या देखने मिलता है, सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, एक बार कंसोल पे चेक कर लेंगे, अच्छा हमने सर्वर ही रन नहीं किया अभी, तो मैं एक बार सर्वर को रन कर देता हूँ, न्यू टर्मिनल, तो मैं यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, तो यहाँ पर हमारा नोट सर्वर रन हो जाएगा, देख सकते हैं आप हमारा एप्लीकेशन जो है रन हो चुका है, अब इसको फिर से टेस्ट कर लेंगे, अभी जो है हम एरर केस को देख रहे हैं, यानी एम्प्टी पासवर्ड हमने पास किया ना तो हमको एरर शो करना चाहिए, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस फॉल, और मैसेज भी बराबर से आ रहा है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, अब मैं वैलिड पासवर्ड यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, और सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी सक्सेसफुली आ रहा है, लॉग इन सक्सेसफुली, टोकन भी बराबर से क्रिएट हो रहा है, और यूजर की डिटेल्स भी हमारे पास बराबर से आ रही है, देख सकते हैं आप सक्सेसफुली हमारा रजिस्टर और लॉग इन एपीआई काम कर रहा है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे आने वाले राउट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा।